So, hey there, everyone. Welcome back. Uh, so, let's solve this second problem of our weekly contest 312, which is longest subarray with maximum bitwise AND. So, we are given an integer array nums of size n. So, consider a non-empty subarray from nums that has maximum possible bitwise AND. So.

जिसका बिट वाइज एंड करने पर सोबैरी के सारे एलिमेंट्स बिट वाइज एंड करने पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले ठीक है तो उतने उतने सोबैरी की हमें बेसिकली लेंथ रिटर्न करनी है ठीक है तो जैसे हमारे पास है वन टू थ्री थ्री टू टू ठीक है तो हमारे पास आ, मैं कुछ बाइन्ड्री फॉर्म्स लिख रहा हूँ यहाँ तो जीरो जीरो बाइंड्री फॉर्म होगी ज़ीरो की वन की बाइन्ड्री फॉर्म क्या होती है जीरो वन टू की होती है वन ज़ीरो थ्री की होती है वन वन फोर की होती है वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है तो अभी हमने इसमें सबे रिफाइंड करना है जिसकी जिसके अंदर एलिमेंट्स का बिटवाइज एंड करने पर सभी एलिमेंट्स का बिटवाइज एंड करने पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले ठीक है जैसे वन एंड टू का करते हैं बिटवाइज एंड ठीक है तो क्या होगा जीरो वन वन जीरो इसका एंड करना है हमने तो हमें पता है वन एंड जीरो क्या होता है जीरो ठीक है जीरो एंड जीरो भी जीरो होता है वन एंड वन हमारे पास वन होता है ठीक है तो वन एंड जीरो हमारे पास क्या होगा जीरो जीरो एंड वन क्या होगा जीरो तो हमें इन इन दोनों का इन दोनों का बिट वाइज एंड करने पर हमें क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है ठीक है टू थ्री का करेंगे टू थ्री का करके देखते हैं टू का हमारे पास हो गया वन जीरो थ्री का हो गया वन वन ठीक है तो इसका एंड करके देख लेते हैं वन जीरो जीरो वन 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 ठीक है तो इन दोनों का टू एंड थ्री का बिट वाइज एंड करने पर हमें टू मिल रहा है ठीक है थ्री एंड थ्री का करते हैं थ्री एंड थ्री का क्या होगा वन वन एंड वन वन ठीक है तो वन एंड वन क्या होगा वन वन एंड वन क्या होगा वन तो हमने थ्री एंड थ्री का जो बिट वाइज एंड किया तो हमें मिला थ्री तो थ्री एंड टू का करेंगे हमें क्या मिलेगा अगेन टू टू एंड टू का करेंगे अगेन हमें मिलेगा टू तो हमें मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिल रही है कौन से कितने सबैरे से मिल रही है इतने सपैरे से जो कि है थ्री थ्री ठीक है और इसकी लेंथ हमारी क्या है टू इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पे टू फॉर फर्स्ट टेस्ट केस ठीक है तो सेकंड टेस्ट केस ऑब्जर्व कर लेते हैं जैसे हमारे पास है वन टू थ्री फोर ठीक है हमारे पास है वन टू थ्री फोर ठीक है तो बाइनरी फॉर्म्स हमारे पास क्या है जीरो 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 वन वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो जीरो ठीक है ये जीरो की है ये वन की है ये टू की है थ्री की है फोर की है ठीक है वन एंड टू का हम करेंगे क्या मिलेगा हमें वन एंड टू का करते हैं जीरो वन वन जीरो ज़ीरो ही मिलेगा टू एंड थ्री का करेंगे हमें टू मिलेगा ठीक है एंड का करोगे क्या मिलेगा थ्री एंड फोर का कर लेते हैं जीरो 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 मिल रहा है हमें ठीक है एंड एंड का bit, करने पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है 0. तो हमारा इस केस में मैक्सिमम आंसर क्या होगा फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा फोर ही होगा गेला इतना सबेरे बिकॉज ईच एलिमेंट ऑल्सो वी नो ठीक है तो सिंपली हम उस केस में मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर देंगे ठीक है तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है फोर है यहाँ पे

जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है दोनों में से बी ग्रेटेस्ट है ठीक है तो उससे हमेशा कम होगा ठीक है हमें नहीं पता कितना होगा होगा उससे लेकिन हमेशा कम होगा जब उनका एंड 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 करेंगे जैसे हमने हमने का का किया 2 and 3 का हमने किया था तो हमारे पास क्या रहा 2 आ रहा था टू आ रहा था ठीक है टू आ रहा था जो कि लेस देन थ्री है दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट क्या है थ्री है ठीक है जब हमने थ्री एंड थ्री का किया दोनों सेम एलिमेंट है ठीक है तब हमारे पास आंसर क्या रहा 3 आ रहा है थ्री आ रहा है ठीक है अपना आंसर uh, क्या आ रहा है मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर आ रहा है ठीक है तो हम हर हर केस में हम क्या फाइंड करेंगे इसमें वन टू एंड थ्री तो हमें मैक्सिमम आंसर है में से, जब हम थ्री बिटवाइज एंड उसका थ्री के साथ ही करेंगे तब हमें मैक्सिमम आंसर मिल रहा है कितना मिल रहा है थ्री मिल रहा है तो हम क्या करेंगे पहले सभी में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लेंगे ठीक है तो एक फोर लूप रन करेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट एलिमेंट फाइंड कर लेंगे हमारे पास आ गया three. तो दोबारा हम फोर लूप रन करेंगे ठीक है तो ये हमारा बेसिकली आ गया ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हमने देख लिया ये मैक्सिमम एलिमेंट है इतने गिवन एरे में ठीक है तो हम दोबारा फोर लूप रन करेंगे और हम लेंथ फाइंड करेंगे सब एरे की सब बेसिकली क्या है जो कि कॉन्टिज्यूस एलिमेंट्स होते हैं जैसे थ्री थ्री हमारा सब है थ्री थ्री टू हमारा सब है लेकिन थ्री एंड टू ये सब नहीं है ये सब है ठीक है ये हमें पता है तो हम क्या करेंगे जब हमारा सिमिलर एलिमेंट मिल जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट के सेम होगा जैसे हम यहाँ से गए ठीक है ये हमने थ्री मिला हमें तो ये तो सेम है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट के ठीक है एक लेंथ वेरिएबल ले लेंगे बिकॉज हमने सबैरे की लेंथ फाइंड करनी है ना जिसके एलिमेंट्स के सभी बिट वाइज एंड करने पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले ठीक है तो इनिशियली लेंथ हमारी जीरो है ठीक है तो फिर लेंथ प्लस प्लस कर देंगे हमें थ्री मिल गया मैक्सिमम एलिमेंट से सेम एलिमेंट मिल गया ठीक है तो लेंथ प्लस प्लस कर दिया हमने तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई वन गई ठीक है लेंथ हमारी वन गई हमें फिर फिर थ्री मिला फिर हम लेंथ टू कर देंगे ठीक है तो ऐसे लास्ट तक जाएंगे तो हमें फाइनल लेंथ कितनी मिली है टू मिली है तो बस टू हम रिटर्न कर देंगे आंसर अगर अगर हमारे पास केस बनता है ऐसे मान लो वन टू थ्री टू थ्री टू मान लो ऐसे है ठीक है तो इस केस में हमारा सबरी कितना होगा इस केस में हमारा सब बैरी ओनली वन होगा ठीक है लेंथ उसकी वन होगी क्यों होगी बिकॉज बीच में टू आ गया ना बीच में टू आ गया तो लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम हमें थ्री थ्री मिले बिकॉज थ्री बिटवाइज एंड थ्री करने पर हमें क्या मिलेगा टू uh, थ्री मिलेगा थ्री मिलेगा लेकिन जब थ्री एंड टू का अब करेंगे हमें टू मिला फिर दिस टू एंड दिस थ्री इन दोनों का बिट वाइज एंड करेंगे हमें टू मिलेगा ठीक है वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी मतलब मैक्सिमम चाहिए हमें दो। तो तो उस केस में हमारा इतना सबेरे लेंथ जिसकी वन है थ्री रिटर्न करेंगे ठीक है मतलब वन रिटर्न करेंगे जो कि लेंथ है सबेरे की विच इज़ वन ठीक है तो हम क्या करेंगे अगर वो क्वॉन्टिज्यूज एलिमेंट्स नहीं है मान लो हमने थ्री ओके हमें थ्री मिल गया ठीक है हमें थ्री मिल गया मैक्सिमम एलिमेंट से सेम एलिमेंट मिल गया तो लेंथ हमारी वन होगी तो फिर अगर जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट हमारा थ्री नहीं है तो लेंथ को दोबारा जीरो कर देंगे दोबारा जीरो कर देंगे बिकॉज वो अदरवाइज वो तो सब सिक्वेंस बन जाएगा ना अगर ये वाला थ्री लोगे अगर ये वाला थ्री लोगे ये तो सब सिक्वेंस है लेकिन हमें तो सब सबेरे कंसीडर करना है ठीक है बीच में हमारा क्या आ गया एलिमेंट डिफरेंट आ गया मैक्सिमम एलिमेंट से तो हम दोबारा लेंथ को जीरो कर देंगे ठीक है तो लास्ट में हम क्या करेंगे मैक्सिमम लेंथ फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास आई है मैक्सिमम लेंथ का क्या मतलब है मान लो हमारे पास वन टू थ्री टू थ्री थ्री टू है ठीक है ये है तो हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो हमारे पास लेंथ पहले होगी वन जब हमें ये थ्री मिला तो हमें अब डिफरेंट एलिमेंट मिल गया ठीक है मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल नहीं है वो डिफरेंट एलिमेंट मिल गया तो हम लेंथ को दोबारा जीरो कर देंगे दोबारा जीरो कर दिया फिर हम यहाँ पे हमें सेम एलिमेंट मिल गया जो कि मैक्सिमम के इक्वल है फिर हमने वन कर दिया फिर हमें सेम एलिमेंट मिल गया जो कि वन मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल है फिर लेंथ हमारी टू होगी ठीक है तो ऐसे करते करते हमारे पास क्या होगा इन दोनों में से मैक्सिमम लेंथ किसकी है इतने सवेरे की लेंथ क्या है वन है इन दोनों की लेंथ कितनी है टू है तो हमने मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है ना तो वन एंड टू में से मैक्सिमम क्या है टू है तो हम टू रिटर्न करेंगे राइट सो so, यही हमारा कोड में कर रहे होंगे हम तो सिंपली हमारी इंट्यूशन बेसिकली क्या देखी हमने तो हमारे पास मान लो दो एलिमेंट हैं ठीक है ए एंड बी उनमें से कोई भी ग्रेटर देन ग्रेटर एलिमेंट है ठीक है तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनका बिट वाइज एंड करने पर ये हम हम श्योर हैं कि जो वैल्यू आएगी वो लेस देन होगी हमारे ग्रेटेस्ट एलिमेंट से उन दोनों में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट से लेस देन होगी हमेशा तो हम हमें लेकिन चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ठीक है बिट वाइज एंड करने पर तो हम क्या करेंगे सभी वैल्यूज में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज उसके सिमिलर हैं सब एरे में सब एरे में ठीक है तो उस उ, उतनी लेंथ हम रिटर्न कर देंगे बिकॉज अगर सेम एलिमेंट्स की हम बिट वाइज एंड करेंगे सेम एलिमेंट्स का तो हमारे पास उतनी वैल्यू आएगी ठीक है जैसे थ्री एंड थ्री का हम बिट वाइज एंड कर रहे थे ठीक है वन वन तो हमारे पास वन वन ही आ रहा है ठीक है बिट वाइज एंड करने पर हमें थ्री आ रहा है ठीक है तो ये तो टू से बड़ी है ना अगर थ्री एंड टू का करोगे तो हमारे पास टू आ रही है तो इससे बेटर तो थ्री है थ्री ग्रेटर देन टू है यही हमारी इंट्यूशन है ठीक है तो हम कोड करते हैं ठीक है इसको तो एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं लॉन्गेस्ट जो कि हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ रिटर्न करेगा सब एरे की ठीक है एक लेंथ ले लो वेरिएबल और एक मैक्स ले लो इनिशलाइज करा लो ज़ीरो से ठीक है तो अभी चलाते हैं फोर लूप अपने वेक्टर गिवन पे ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे सभी एलिमेंट्स में से ठीक है मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड कर ली जैसे हमारे पास था हमारे पास था वन टू थ्री टू टू ठीक है वन टू थ्री जो भी है टू टू ठीक है तो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है थ्री आ गया ठीक है थ्री हमने फाइंड कर लिया तो अभी हम दोबारा फोर लूप चलाएंगे दोबारा फोर लूप चलाएंगे ठीक है तो हम देखेंगे अभी जो करंट एलिमेंट है वो क्या हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से इक्वल है तो हम लेंथ प्लस प्लस कर देंगे ठीक है लेंथ प्लस प्लस कर देंगे एल्स अगर वो नहीं है तो लेंथ को जीरो कर देंगे दोबारा ठीक है बिकॉज हमें सबैरी चाहिए अदरवाइज़ हम सबसिक्वेंस फाइंड कर रहे होंगे ठीक है हमें सबैरी चाहिए तो हम लेंथ को दोबारा जीरो से निचलाइज करा देंगे ठीक है तो उसके बाद हमारा हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी मैक्सोफ लॉन्गेस्ट सोफ लॉन्गेस्ट एंड लेंथ ठीक है तो हमने मैक्सिमम लेंथ फाइंड कर ली एट लास्ट हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे दैट लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सबेरे ठीक है जिसके एलिमेंट्स का बिटवाइज एंड करने पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो uh, यहाँ एरर आ रहा है कुछ तो इसको करते हैं स्टैंडर्ड एंड हेयर ऑल्सो so it should work fine now so yeah, we are getting the expected answer so let's try for 1 2 3 4 also let's try for 1 2 3 4 so yeah let's try to submit it so, accepted. So, that's it for this video. If you still have any doubt, please ask in the comment box. And you can connect with me. My LinkedIn and Twitter handles are given in the description box. So, stay tuned for more videos.